पोलिंग जो है ना वोटिंग वो थोड़ा सा काउंटिंग करीब पहुंच रही है किसी नतीजे के इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के मनाजिर हम देख रहे हैं जहाँ पे इस वक्त वोटिंग की जो इस वक्त गिनती है वो जारी है। सचमुच बड़ा फैसला आने वाला है, उन लम्हात के करीब पहुंच गए। बिल्कुल, और देख सकते हैं हम के हफीज शेख के पोलिंग एजेंट ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी है। हफीज शेख के पोलिंग बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं बार बार स्क्रीन पे यूसुफ रजा गिलानी हाथ मिला रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी भी फ्रेम में बार बार आ रहे हैं और हफीज शेख भी मौजूद है। बिल्कुल, हफीज शेख के पोलिंग एजेंट ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त कर दी है, जिसके बाद अब दोबारा गिनती की जा रही है। हफीज शेख के पोलिंग एजेंट ने दोबारा गिनती की दरखास्त की है, यानी एक बार गिनती हो चुकी है, दोबारा काउंटिंग की जाए। हफीज शेख के पोलिंग एजेंट कह रहे हैं कि एक बार फिर इन सारे के सारे वोट्स को एक एक करके काउंट किया जाए, इनको गिना जाए, एक बार फिर से ऐसा किया जाए। हफीज शेख के पोलिंग एजेंट ये कह रहे हैं कि दोबारा गिनती की जाए, ऐसी दरखास्त उन्होंने कर दी है। दोबारा गिनती जारी, एक बार फिर काउंटिंग की जा रही है, हम अपनी खबरें कंफर्म करेंगे फिर आपको देंगे जनाब। यूसुफ रजा गिलानी ने कर दिया है बड़ा अपसेट, सेनेट में हो गए हैं सेनेटर मुंतखब, इसी बाबत तो हफीज शेख के पोलिंग एजेंट दोबारा गिनती की दरखास्त कर रहे हैं। बड़ा अपसेट कर दिया है यूसुफ रजा गिलानी ने और वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। 3 दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुबारकबाद दे रहे थे, समेट रहे थे, ये कह रहे थे कि हम अपसेट करने जा रहे हैं, हम गिफ्ट देने जा रहे हैं, हम मुबारकबाद लेने जा रहे हैं, हम मिठाइयां खिलाएंगे, हम मिठाइयां खाना शुरू कर चुके हैं और अब ये खबर आ चुकी है। जब दोबारा गिनती की जाए, हफीज शेख के पोलिंग एजेंट ऐसा कह रहे थे तो वो यही चाह रहे थे कि एक बार फिर से काउंटिंग की जाए तो शायद कुछ मार्जिन निकले, लेकिन जब काउंटिंग हो गई मुकम्मल तो यही पता चला।